नमस्कार दोस्तों, मैं शैवी आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने फ़ोन में मल्टी विंडो कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेरे फ़ोन में रनिंग हो रहा है मार्शमेलो। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए ES एक्सप्लोर, जैसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है ES फाइल एक्सप्लोर, ये देखिए मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ। अपडेट करना देखिए, उसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस है इसे एक्टिवेट करने के लिए, एक छोटी सी एडिटिंग करनी होगी। सबसे पहले इसको ओपन कीजिए ES एक्सप्लोर को, उसके बाद आपको एक काम करना होगा, डिवाइस में जाना होगा। डिवाइस में जाने के बाद सिस्टम में जाइए और याद रखिएगा रूट एक्सप्लोर एक्टिवेट होना चाहिए, रूट से इसका मतलब रूट से एक्टिवेट होना चाहिए। बिल्ड डॉट प्रॉप पे ओके कीजिए और इसे ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगी, ये देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ से एडिट करना है। यहाँ पे ro.build.type इज इक्वल टू यूज़र लिखा, यहाँ पे एक आपको वर्ड लिखना आगे debug, इसको यहाँ से सेव करना। यहाँ से सेव हो जाएगा, इसके लिए रूट चाहिए। बिल्ड डॉट प्रॉप एडिट करने के बाद आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करना होगा। मैं आपको रिस्टार्ट करके बता देता हूँ। मेरा फ़ोन यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद डेवलपर ऑप्शन में जाइए। अगर आपका डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है तो उसे अबाउट फ़ोन में जाकर बिल्ड नंबर पे 5 पर क्लिक कीजिए, आपका डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको डिबगिंग नीचे होगा ड्राइंग का ऑप्शन, इसमें मल्टी विंडो एक्टिवेट करनी होगी। ये देखिए यहाँ पे मल्टी विंडो एक्टिवेट हो चुकी है। अगर तो आपका फ़ोन में जो रिसेंट ऐप्स होती हैं यहाँ पे, अगर तो आपका जो स्टाइल गूगल स्टाइल है, वनीला स्टाइल है, तो आपकी मल्टी विंडो डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाएगी। अगर तो मेरे जैसा फ़ोन आपका LE1 या LE2, उसके लिए आपको छोटा सा प्रोसेस और करना होगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको एक मोड डाउनलोड करना होगा लाइको वालों को, मैंने डाउनलोड किया हुआ है EGUI मोड, मैंने इंस्टॉल की हुई है, फिर से इंस्टॉल नहीं करूँगा। और उसके बाद आपको इसके सॉफ्टवेयर में जाना होगा और इसकी सेकंड ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ LA1S है, इसलिए मैं इसकी सेकंड ऑप्शन यूज़ करूँगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इसमें काम नहीं करती। तो उसके बाद आपको एक और काम करना होगा, आपके फ़ोन में एक्सपोज होना चाहिए, एक्सपोज ओपन कीजिए, उसके बाद इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए और अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए। मैं आपको रिस्टार्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा फ़ोन रिस्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ मल्टी विंडो मेरे फ़ोन में एक्टिवेट हो चुकी है। अगर तो आपके पास कोई और फ़ोन है गूगल जैसा कोई भी, आपको फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। मैं अपने लाइको में बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया, ये देखिए मल्टी विंडो ये ऊपर आ गया, नीचे फ़ोन दूसरा, ये देखिए यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन किया मैंने, इसको मैंने नीचे कर दिया, ऊपर जीमेल आ जाएगा, नीचे प्ले स्टोर, ये देखिए दो काम एक साथ हो रहे हैं। अगर तो आपके पास LA2 है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप EUI मोटर में जाके सेकंड ऑप्शन एक्टिवेट कीजिए और जो ऊपर है ऊपर वाला भी चेंज हो जाएगा, पूरा वाईफाई इंटरनेट सारी ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपके पास LA1 है तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, नोटिफिकेशन टॉगल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यूज़ करूँगा। ये देखिए यहाँ पे जो जो मैं सेट कर रहा हूँ वो सारे आ रहे हैं ऊपर, ब्राइटनेस मोड से देखिए ब्राइटनेस, ये
ब्राइटनेस, अगर मैं सेकंड वाले में करूँगा तो सेकंड रूम में आ जाएगा। ऐसे आप बहुत सारे ऑप्शन है जो खुद यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास लावा नेस है। अगर आपके पास कोई और फ़ोन है, ला टू है या कोई भी गूगल का प्रोडक्ट है, फिर तो आपको इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर लाट हुआ तो आप इस फर्स्ट ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं और ये अपने आप चेंज हो जाएगा। तो बस इतनी सी वीडियो थी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और ट्रिक्स लाता रहूँगा और आपको कुछ ना कुछ न्यू बताता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे, थैंक यू।